एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर नंबर 5। डज इट लुक द सेम। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में ये मिरर गेम्स टॉपिक लर्न किया था, आज आगे लर्न करेंगे हाफ और टर्न। क्या करना है? आधा घुमाना। Once there was a king. एक बात की बात है, राजा था। He was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. वो बहुत ही दुखी था क्योंकि चोर है वो उसके costly जो महंगे ज्वेलर्स है वो चुरा कर ले जाते थे। Here is what the locker looked like. वो चोर है वो लोकर में से ज्वेलर से वो चुरा कर ले जाते थे। यहाँ पे है वो जो लोकर है वो ऐसा दिखता था। The locker could be opened by giving its handle half a turn. लोकर है वो कैसे ओपन होता था? उसका जो हैंडल है, ये वाला हैंडल, उसको आप हाफ टर्न करोगे, यानी कि पूरा का पूरा ऐसे नहीं घुमाना है, सिर्फ आधा ही घुमाओगे तो वो लोकर है वो ओपन हो जाता था। अनदर हाफ टर्न एंड द लोकर वुड बी लॉक्ड अगेन। फिर से आप उसे आधा घुमाओगे तो वो लोकर है वो बंद हो जाता था। द किंग वुड ऑफन लीव द लोकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड। किंग है वो बहुत बार लोकर को है वो वैसे खुला ही छोड़ देते था। उसे ऐसा वो ऐसा सोचता था किंग कि लोकर है वो लॉक हो गया है, यानी कि बंद हो गया है। कैन यू गेस द रीजन? क्या आप रीजन है वो गेस कर सकते हो? देखो यहाँ पे ये लोकर है, किंग है, ये ओपन पोजीशन में ये ऐसा दिखता है, लॉक्ड पोजीशन में भी वो सेम टू सेम वैसा ही दिखता है। देखो येलो ब्लेड ऊपर, यहाँ पे भी येलो ब्लेड ऊपर, येलो ब्लेड नीचे, यहाँ पे भी नीचे, साइड में दोनों साइड में देखो रेड कलर का ब्लेड, वो सेम पोजीशन में ही दिखता था, इसीलिए किंग है वो कंफ्यूज हो जाता था। तो आपको गेस करना है कि वो क्यों कंफ्यूज हो जाता था। लोकर लुक्स सेम इन ओपन एंड लॉक बोथ पोजीशंस, हैंड द किंग ऑफन गेट्स कंफ्यूज्ड एंड कैन नॉट टेल इफ इट इज लॉक्ड और ओपन। लोकर है वो ओपन पोजीशन और लॉक पोजीशन दोनों में सेम दिखता था, इसीलिए किंग है वो कंफ्यूज्ड हो जाता था कि ये लोकर है वो खुला है कि बंद है वो बताने के लिए। One day his clever daughter gave him an idea which he liked very much. एक दिन उसकी clever daughter यानी कि होशियार बेटी है, उसने उसे आइडिया दिया और किंग है वो आइडिया से बहुत ही खुश था, उसे वो आइडिया बहुत ही पसंद आया था। Now he never got confused. अब किंग ने वो जो आइडिया दिया उसकी बेटी ने वो फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो कभी भी कन्फ्यूज होता नहीं है, यानी कि कभी भी उसे ऐसी उलझन नहीं होती है कि लोकर है वो खुला है या बंद है। Can you guess what the idea was? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो आइडिया क्या होगा? तो मुझे देखो यहाँ पे ये लोकर का हैंडल है, यहाँ पे देखो आगे के पेज में ये डॉट नहीं था, यहाँ पे क्या कर दिया उसने, उसकी डॉटर ने डॉट कर कर दिया। द किंग्स डॉटर पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स अंडर लॉक, हिज हेल्प इन नोइंग द पोजीशन ऑफ लॉक बाय द पोजीशन ऑफ द डॉट। डॉट की या बाद में डॉट की पोजीशन से पता चलेगा कि ये लोकर है वो ओपन है या फिर लॉक्ड है। द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। राजा की जो बेटी है उसने क्या पूछा राजा को कि येलो ब्लेड से उसमें से कोई एक ब्लेड पे हम डॉट है वो लगा देंगे। द किंग हैड मेनी सच लोकर्स विथ डिफरेंट हैंडल्स। किंग के पास
और भी सारे बहुत सारे लोकर्स थे, उसमें अलग अलग हैंडल्स थे। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज विथ दिस टू। अब यहाँ पे जो किंग के पास लोकर है उसके हैंडल्स दिए है, उसको देखना है कि उसको हाफ टर्न करोगे यानी कि ये लोकर का जो हैंडल है उसे आप आधा घुमाओगे तो एक किंग है वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस। आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी ये हाफ टर्न करेंगे तो ये सेम टू सेम जैसे यहाँ पे इमेज है उसमें होता था वैसे ही ये लोकर के हैंडल में भी वैसा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, एक जगह पे डॉट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आप डॉट कर दोगे। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये डॉट वाला पार्ट अगर ऊपर आए तो ये ओपन है, डॉट वाला पार्ट है वो नीचे आए तो ये क्लोज है। यहाँ पे भी देखो सेम ही है, इसे आधा घुमाओगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा हैंडल है वो लोकर का सेम पोजीशन में ही दिखेगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, कहीं एक जगह पे डॉट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे डॉट करेंगे तो ये पार्ट ऊपर आएगा तो ये ओपन है, अगर ये पार्ट है वो यहाँ पे नीचे आएगा जब हाफ टर्न करेंगे यानी कि आधा घुमाएंगे तब तो यहाँ पे आएगा तो ये क्लोज है। यहाँ पे भी देखो ये सेम ही फिगर है, अब हाफ टर्न करोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फिगर है वो सेम टू सेम ही रहे। तो यहाँ पे हम एक डॉट कर देते हैं यानी कि ये लोकर ओपन है, अगर डॉट ऊपर आया तो ये लोकर ओपन है, अदरवाइज ये लोकर क्लोज है। लास्ट फिगर में भी देखो सेम वैसा ही है, आप इसे हाफ टर्न करोगे ये हैंडल को, ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डॉट कर देते हैं ताकि किंग को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप डॉट करोगे तो ये ओपन पार्ट है ऐसा समझना, लोकर है वो ओपन है, यहाँ पे ये डॉट आ गया ऐसे घूम कर आधा टर्न कर कर तो ये लोकर है वो क्लोज है। चिल्ड्रन, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया। हियर किंग कैन गेट कंफ्यूज ऑन गिविंग हैंडल हाफ अ टर्न, वी कैन पुट अ डॉट ऑन द हैंडल सो द किंग विल नॉट गेट कंफ्यूज टू नो वेदर द लोकर इज ओपन और लॉक्ड। क्या किया हमने, हैंडल की जो एक ब्लेड है उसमें हमने डॉट कर दिया ताकि किंग को कंफ्यूजन ना हो कि ये लोकर का हैंडल है वो ओपन है या क्लोज है। थैंक यू।